गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके पास सेमिनार टेस्ट आ रहे हैं। इसके लिए आपके कोर्स में जो भी पाठ्यक्रम आ रहा है उसका रिवीजन मैं आपको आज करवाऊंगी। आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है, देखना है, ताकि आपके ये एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, तो देखो बेटा, आपको पता है आपके एग्जाम में क्या क्या आ रहा है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास टाइम टेबल है। आपके कोर्स में संस्कृत वर्णमाला और पार्ट एक लट लगा अर्थात वर्तमान काल, ये दोनों चीज जो है आपके कोर्स में आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्णमाला। ओके, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वर्णमाला। आपको पता है वर्ण क्या होता है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको तो क्या बोलेंगे अपन? वर्ण। और वर्ण के संयोग से ही क्या बनता है? वर्णमाला बनती है। ठीक है, अब वर्णमाला को इन्होंने दो पार्ट में बांटा है। किसमें बांटा है बेटा? दो पार्ट में। सबसे पहला है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्लियर? अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर। तो ये स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उच्चारण करने में, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर। और संस्कृत में स्वर कितने होते हैं बेटा? टोटल त्रयोदश। ठीक है, होते हैं त्रयोदश। ठीक है, अब इन त्रयोदश को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो देखते हैं। इन त्रयोदश को कैसे डिवाइड किया गया बेटा? ऋष्म स्वर के तीन ग्रेड बताए आपको। कितने बताए? तीन। सबसे पहले आपको बताया ऋष्म स्वर। ऋष्म स्वर के अंदर क्या होगा बेटा? वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये कितने होते हैं बेटा? देखो, अ ई उ रि दे रि, तो ये कितने हो गए बेटा? पंच। तो आपको पूछे कि संस्कृत में ऋषु स्वरा कति संति, तो आपको क्या बताना है? पंच। ठीक है, अब इसमें आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत में ऋषु स्वरा न संति अर्थात नहीं है, तो आपको इनमें से जो नहीं होगा वो दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, रीड करना है, फिर आपको आंसर देना है। ओके, फिर ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। देन दूसरा हुआ आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है बड़ा, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में ऋष्म स्वर से दुगुना समय लगेगा, यानी ज्यादा समय लगेगा। वे कौन से होंगे? ऋष्म स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? आठ। अष्ट होती है। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ और री। संस्कृत में दो री होती है, बड़ी और एक छोटी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार अपने ये दीर्घ स्वर कितने हो गए? आठ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको ये कितने हो गए बेटा? आठ। आठ को क्या बोलते हैं? अष्ट। तो बेटा 8 और 5 टोटल कितने हो गए? 13। ओके, मैंने आपको बताया था कि वे स्वर कितने होते हैं? 13 अर्थात त्रयोदश। फिर आपका आता है प्लू स्वर। अब प्लू स्वर में बेटा क्या होता है? प्लू स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋष्म स्वर से तीव्र समय लगता है, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमें थोड़ा लंबा साउंड लेना पड़ता है। अच्छा, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, या फिर कोई सी स्वरों के बाद इनका यूज आएगा। ठीक है ना, स्वर के बाद अपन इसका एस आकार में यूज करेंगे, तो वो कौन से होंगे? प्लू स्वर। तो इस प्रकार बेटा अपना ये जो स्वर का है ये हुआ। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे व्यंजन। अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? व्यंजन पढ़ेंगे। ओके, व्यंजन में बेटा क्या है? व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में? त्रयश त्रिंशत। कितने होते हैं बेटा? त्रयश त्रिंशत। क्लियर, ऐसे लिखेंगे। अब इनको त्रयश त्रिंशत को अलग अलग भागों में बांटा गया था। व्यंजन के आपके पार्ट है, सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन। क्या आता है बेटा? स्पर्श व्यंजन। क्या आएगा? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के अंदर
विंशति। अपन इनको ये भी कह सकते हैं क वर्ग से प वर्ग तक, ठीक है ना, ऐसे भी अपन इनको समझा सकते हैं। क वर्ग मतलब क ख ग ग ड, च वर्ग मतलब च छ ज ज ञ, ट वर्ग मतलब ट ठ ड ड ण, और त वर्ग मतलब त थ ग ग न, और प वर्ग मतलब प फ ब ब म। यानी ये टोटल जो 25 है इनको क्या बताया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या दी गई। क्यों? क्योंकि इनको जब स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं, वे वर्ण जिनको बोलने के समय हमारे मुख में जो जीवा है वो अलग अलग पार्ट को स्पर्श करती है। ओके, फिर आता है बेटा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बेटा, य र ल भ, ये कितने होते हैं बेटा, चतुर्थ। ओके, फिर आता है बेटा आपका उष्म व्यंजन। आपसे
द्विवचन में तो और स्त्रीलिंग में ते और नपुंसकलिंग में भी ते और बहुवचन में सा तो ते और सा ते ता और तत ते तानु। या तो ये करता होंगे इन तीनों का मतलब भी क्या है बेटा वह इन तीनों का मतलब क्या है बेटा वे दोनों और इन तीनों का मतलब क्या है बेटा वे सब। ठीक है अब अलग अलग के लिए फर्स्ट वाला पुल्लिंग के लिए देन सेकंड वाला स्त्रीलिंग के लिए देन लास्ट वाला नपुंसकलिंग के लिए ऐसे कैसे द्विवचन में भी है और बहुवचन में भी है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। ठीक है इनके अलावा या तो किसी पर्सन का नाम होगा किसी बॉय या गर्ल का अगर एक है तो एक वचन में दो है तो द्विवचन में और बहुत सारे तो बहुवचन में ये तो हो गए कर्ता। अब इनके साथ आपको ये धातुएं लगानी है अगर कर्ता एक वचन का है तो आपको एक वचन कर्ता बहुवचन का है तो आपको बहुवचन की क्रिया लगानी है कर्ता द्विवचन का है तो द्विवचन। ये तो अपन के कर्ता हुए बेटा प्रथम पुरुष के। ठीक है अब चेंज किस में होते हैं बेटा आपके कौन चेंज और भी आपके प्रथम पुरुष में ही कर्ता आप होंगे मध्यम और उत्तम पुरुष में तो कर्ता आपके सेम रहते हैं चाहे बॉय बोले चाहे गर्ल बोले। ठीक है ना बेटा तो इसके अंदर क्या होता है बेटा आपके मध्यम पुरुष में कर्ता क्या होते हैं तुम द्विवचन में युवा और बहुवचन में युयम। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा तुम दोनों और तुम सब। अब इसके फिक्स है बेटा इसमें तो पठसी तो युवा लिखत हो युयम हसत ये फिक्स है चाहे बॉय है चाहे गर्ल है। ठीक है ये तो मध्यम पुरुष का हुआ फिर आपके आता है उत्तम पुरुष और नीचे विभाग आपको पीडीएफ भेजी जा चुकी है आपको पीडीएफ आपको आपने काम किया है आपको काम देखना है और उसमें से कर्ता और प्रत्यय आपको पहचान है आपसे कौन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा बेटे जैसे मैंने आपको बताया था सा लता। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया अब अस धातु मैंने आपको समझी थी पहले कि है के लिए अस धातु होती है एक वचन में तो क्या आता है बेटा अस्थि द्विवचन में स्तव और बहुवचन में संति। ठीक है ये चीज मैंने आपको बताई थी और उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में क्या आता है बेटा असी मध्यम पुरुष में क्या आएगा बेटा असी स्थ और उत्तम पुरुष में अस्मि स्व स्म। अब यहां पे मैंने क्या पूछा साल आता है यानी लड़की है एक वचन है प्रथम पुरुष का तो इसमें क्या है बेटा प्रथम पुरुष में ये प्रथम पुरुष है। ठीक है ये तो इसका है अस्थि है तो यहाँ पे क्या रहेगा अस्थि। अब मैंने यहाँ पे आपको अस्थि में ये फिलअप दे दिया और कर्ता पूछा तो आपको साल लगाना है। ओके इस प्रकार बेटा अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट के सिलेबस का रिवीजन कंप्लीट हुआ। आपको ध्यान से देखना है ये वीडियो समझना है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।